मुंबई के पास ट्रैफिक सिपाही रणजीत द्वारा सोमवार को ऑटो चालक को पीटने का मामला करवा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को ऑटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए चालकों ने सुबह ट्रैफिक थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और सिपाही को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि खुद को बचाने के लिए सिपाही ने ड्राइवर पर झूठे आरोप लगाए हैं। यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर भी एक भी रिक्शा, मैजिक और वैन नहीं दौड़ेगी। हम उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस ने 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के राजेश मेडकर का कहना है कि सिपाही रणजीत ने हमारे ऑटो चालक को पीटा है। हमने सिपाही के निलंबन की मांग की है। हम इसलिए यहां आए थे कि आने वाले समय में फिर कोई आम ड्राइवर नहीं पीटा जाए। हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया है क्योंकि वीडियो तो वायरल हुआ ही है। उसके अलावा चौराहे पर 12 कैमरे लगे हैं। आपके पास खुद के प्रमाण है। रणजीत ने ऑटो ड्राइवर पर आरोप लगाया कि उसने शराब पी रखी थी। 6 बच्चे ऑटो पर बिठा कर चल रहा था, टक्कर मारी, पैर पर गाड़ी चढ़ाई। हम आमने सामने बात करने आए तो मौके से क्यों भाग गया? उसने खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। शहर की जनता से उसे करोड़पति तक पहुंचाया था। ड्राइवर उसे सड़कपति बनाकर रख देंगे। 3 दिन का समय कार्रवाई के लिए मांगा गया है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वैन, मैजिक सहित अन्य गाड़ियां सड़क पर नहीं दौड़ेंगी। पीड़ित ड्राइवर सोमवार शाम 7 बजे घर से गायब है। ये लोग सादी वर्दी में उसके घर पहुंचे थे और अपने तरीके से उसे समझाया था। इसके बाद वह कहीं चला गया था। अब पुलिस ड्राइवर को खोज कर लाए और आवेदन लेकर उसे सस्पेंड करे। हमारी मांग नहीं मानी तो बड़े आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी उनकी? ऑटो चालक को मांगे थी कि कल वीडियो एक जारी प्रसारित हुआ था, उसमें हमारा एक जवान ऑटो वाले के साथ मारपीट करने का बाद उस संबंध में ज्ञापन जाएंगे। हमारे साथ किस तरह मारपीट की गई उसकी जांच कराई है और कार्रवाई की है। इस संबंध में शिकायत करने आए थे, ज्ञापन तो दिया नहीं लोगों ने। वीडियो के आधार पर उसकी जांच की है तो हमने उनको जांच करने का आश्वासन दिया और 3 दिन के करीब उसकी जाँच की है। ठीक है सर। रणजीत सिंह देव के, हरिश्मा सिंह पश्चिम के।